हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। न्यूरो साइंस ऑफ मेमोरी शुरू करते हैं। इसमें जो ये पैराग्राफ है पहला, इसमें ये बताया हुआ है कि हमारी जो मेमोरीज हैं, डिफरेंट मेमोरीज हैं, जैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रोसीजरल है, सिमेंटिक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ये सारी अलग अलग जगह अलग अलग पार्ट्स ऑफ ब्रेन में स्टोर होती हैं। मतलब ब्रेन का कोई एक पार्ट नहीं है जो सारी मेमोरी स्टोर करता है। ब्रेन के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी स्टोर करते हैं। जैसे प्रोसीजरल मेमोरी जो है हमारी, जो लॉन्ग टर्म के अंदर आती है प्रोसीजरल मेमोरी, वो सेरिबेलम में स्टोर होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और टेम्पोरल लोब में स्टोर होती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब आपके ब्रेन का सबसे आगे वाला जो पार्ट है, और टेम्पोरल लोब जो कानों की तरफ होते हैं दोनों साइड पे, शॉर्ट टर्म मेमोरी यहाँ स्टोर होती है। फिर फियर वाली जो मेमोरी होती है, जब कभी हम किसी चीज़ से डर गए होते हैं वो हमारे माइंड में बैठ जाती है वो चीज़, तो जो फियर वाली मेमोरी है वो एमिगडाला में स्टोर होती है। एमिगडाला एक पार्ट है ब्रेन का जो इमोशन से रिलेटेड है, तो वहाँ पे स्टोर होती है। और लास्ट में जो सिमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी है, जिसको हम डिक्लेरेटिव बोलते हैं, वो दोनों ही फ्रंटल और टेम्पोरल लोब में होती है, लेकिन जहाँ प्रोसीजरल होती है उससे अलग जगह पे होती है। ऊपर हमने देखा कि प्रोसीजरल भी हमारी फ्रंटल और टेम्पोरल लोब में होती है, लेकिन डिक्लेरेटिव भी उसी लोब में होती है, लेकिन जगह अलग है, लोकेशन अलग है। लोब सेम है, लोकेशन अलग है। अब आगे चलते हैं। इसमें न्यूरल एक्टिविटी स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन्स इन मेमोरी फॉर्मेशन में ये बता रहे हैं कि जब भी कोई मेमोरी बनती है, जब भी हम किसी चीज़ की मेमोरी, किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं, और जब भी कोई मेमोरी बनती है हमारे माइंड में, तो उसके अंदर तीन चार चीज़ें होती हैं। बेसिकली चार स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि ब्रेन के अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं, नए न्यूरॉन्स बनना, पुराने न्यूरॉन्स हटना, तो ये सब फिजिकल चेंजेस होते हैं। फिर नंबर ऑफ रिसेप्टर साइट्स में भी चेंजेस होते हैं। रिसेप्टर साइट्स होते हैं जो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन, उसमें भी चेंजेस होते हैं। सेंसिटिविटी और सिनैप्स में भी चेंजेस होते हैं। जो सिनैप्स के अंदर सेंसिटिविटी होती है, पोटेंशियल होता है, पोटेंशिएशन होता है, जो हमने न्यूरॉन्स में पढ़ा था, उन सब में चेंजेस होते हैं। और लास्ट में जो चौथा चेंज होता है वो मॉडिफिकेशन इन प्रोटीन होता है। तो जो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है, वो जो पर्टिकुलर प्रोटीन इसके लिए मेमोरी के लिए यूज होता है, वो ये वाला है 4EBP2। ये वाला जो प्रोटीन है ये कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू नर्वस सिस्टम प्रोटीन्स का। न्यू प्रोटीन्स जब बनते हैं, जब भी हम कोई नई चीज़ याद करते हैं, नई इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो न्यू प्रोटीन्स बनते हैं, न्यू नर्वस सिस्टम प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उसकी प्रोडक्शन ये कंट्रोल करता है। स्पेसिफिक प्रोटीन है ये 4EBP2। तो ये जो चार चेंजेस होते हैं, पहले फिजिकल चेंज, फिर नंबर ऑफ रिसेप्टर साइट्स में चेंजेस होते हैं, फिर सिनैप्स में चेंजेस होते हैं, फिर प्रोटीन प्रोडक्शन होती है, इन चारों चेंजेस से, ये तब होते हैं जब हम कोई चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं, और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक वो चीज़ हमें फाइनली याद नहीं हो जाती और हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं हो जाती। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब आप कोई चीज़ याद कर रहे हो और जब तक आप उस चीज़ के, आपके माइंड में वो चीज़ परमानेंटली स्टोर होती है, तब तक उस चीज़ का कंसोलिडेशन चलता रहता है। और ये कुछ मिनट्स तक भी हो सकता है और कुछ ईयर्स तक भी हो सकता है। जैसे आप अपने फ्रेंड का नाम याद कर रहे हो तो उसमें आपको 2-3 मिनट लगे याद करने में, लेकिन सपोज आप कुछ एक सिलेबस की बुक पढ़ रहे हो जिसको आपको पूरा साल लग गया उसको पढ़ के याद करके एग्ज़ाम देने के लिए तैयार होने में, तो कंसोलिडेशन कुछ मिनट से लेके कुछ सालों तक चल सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितनी बारी रिहर्सल्स करते हो, कितना उस पर टाइम देते हो और कंटेंट कितना है। तो एक तरीके से कंसोलिडेशन का मतलब है जब हमारे ब्रेन में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन एक परमानेंट इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में, मेमोरी के फॉर्म में स्टोर होती है, उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। अब हिप्पोकैम्पस एक ब्रेन का पार्ट होता है, लिम्बिक सिस्टम का हिप्पोकैम्पस, और इसका क्या काम होता है, न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनाने में हेल्प करता है। और यही चीज़ हमने ऊपर डिस्कस करी थी जब हमने वहाँ पे एक केस के बारे में बात की थी। एक पर्सन थे, उनका नाम HM, शॉर्ट में नाम लेते हैं उनका। तो इनका जो केस था, उनका इस केस में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ये केस, क्योंकि
इनका केस क्या था एक्चुअली, जब ये 16 इयर्स के अराउंड जो थे, टीन एज में थे अपने, तो इनको बहुत सीवियर एपिलेप्टिक सीजर्स आते थे। एपिलेप्सी एक प्रॉब्लम होती है जिसमें दौरे पड़ते हैं, तो एपिलेप्टिक सीजर्स होते थे इनको बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर्स ने सोचा कि इनके हिप्पोकैम्पस एरिया से ये जो सीजर्स हैं उससे रिलेटेड हैं, ब्रेन के अंदर जो ये हिप्पोकैम्पस जो पार्ट है, तो उन्होंने इनके ब्रेन में सर्जरी करी और ये हिप्पोकैम्पे और उसके साथ के जो टेम्पोरल लोब होते हैं उनको रिमूव कर दिया उनके ब्रेन से। उन्होंने सोचा सर्जन ने कि अगर हम ये रिमूव कर देंगे तो इनके सीजर्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो दोनों चीज़ें जब रिमूव हो गई तो सीजर्स थोड़े से कम तो हुए थे, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई थी कि वो अब न्यू डिक्लेरेटिव मेमोरीज नहीं बना पा रहे थे। एबिलिटी टू फॉर्म न्यू डिक्लेरेटिव मेमोरीज वॉज प्रोफाउंडली इम्पेयर्ड, मतलब वो नई मेमोरीज, वो भी स्पेशली डिक्लेरेटिव वाली, डिक्लेरेटिव मतलब जिसमें हमारी सिमेंटिक और एपिसोडिक आती है, वो मेमोरीज नहीं बना पा रहे थे, नई मेमोरीज। तो उनको कोई भी नया इवेंट याद नहीं रहता था, कोई भी नया फैक्ट याद नहीं रहता था। जैसे कोई मैगजीन वो लेके घूमते रहते थे जिसको वो बार बार रोज पढ़ते थे, सेम चीज़ रोज पढ़ते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो पहली बार ही उस मैगजीन को पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आ गई थी। तो यहाँ पे एक चीज़ और पता चली थी कि उनकी जो प्रोसीजरल मेमोरी थी ना वो बिल्कुल ठीक थी, प्रोसीजरल मेमोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रोसीजर्स उनको याद हो जाते थे, जो चीज़ वो एक बार सीखते थे अगले दिन वो उसको बिना प्रैक्टिस के कर लेते थे, लेकिन उनको ये याद नहीं होता था कि उन्होंने वो चीज़ एक्चुअली में पहले करी हुई है। जैसे आपने मैथ का कोई सम आज प्रैक्टिस किया, कल उसको आपने और इजीली कर लिया, परसों और इजीली कर लिया, लेकिन आपको ये याद नहीं आ रहा कि आपने ये पहले किया हुआ है कभी, बट आप उसके स्किल आपके अच्छे हो रहे हैं उसके अंदर। तो इस तरीके से इनकी प्रोसीजरल मेमोरी तो अच्छी होती जा रही थी, मतलब इनकी वैसे थी जैसे नॉर्मल होती है, लेकिन डिक्लेरेटिव मेमोरी बिल्कुल नहीं थी, तो इनको कोई इवेंट याद नहीं रहता था। तो फाइनली जब इनकी डेथ हो गई थी, जब ये 82 ईयर्स के थे दिसंबर 2008 में, तो इनका नाम रिवील कर दिया गया, क्योंकि जब तक इनके इनका केस चल रहा था, जब तक ये जिंदा थे, तब तक ऐसे किसी का नाम रिवील करना नहीं वो होता, एथिकल नहीं होता। लेकिन इनकी डेथ के बाद ये नाम रिवील कर दिया था कि इनका पूरा नाम था हेनरी गुस्तव मोलेजन, तो HM के नाम से फेमस है। और इनकी ज़्यादा डिटेल अगर आपने पढ़नी है तो यहाँ वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हो। इनके ब्रेन के ऊपर बाद में पोस्टमार्टम करके ब्रेन को निकाल के उसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ अभी चल रही हैं आज भी। तो ये HM का केस काफ़ी ज़्यादा फेमस है साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में। एज अ स्टूडेंट आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि HM अगर कोई बात करे तो वो किस केस के बारे में बात हो रही है। फिर आते हैं कि मेमोरी जब फेल होती है तो हमें जो एमनीजिया होता है वो कितने टाइप का होता है। एमनीजिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी जो होता है हमारा, वो कितने टाइप से हो सकता है। और ये एमनीजिया पर्टिकुलरली वो वाला होता है जब हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती, कंकशंस की वजह से या किसी ट्रॉमा की वजह से, चोट लगने से या अल्कोहल की वजह से, रीज़न कुछ भी हो सकता है। सो देर आर टू फॉर्म्स ऑफ सीवियर लॉस ऑफ मेमोरी डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय प्रॉब्लम्स इन द फंक्शनिंग ऑफ द मेमोरी ऑफ द एरियाज ऑफ ब्रेन। द प्रॉब्लम कैन रिजल्ट फ्रॉम कंकशंस, ब्रेन इंजरीज और ट्रॉमा और एल्कोहलिज्म। तो इस टाइप से कुछ भी रीज़न हो सकता है जिस वजह से ये हमें एमनीजिया होता है। इसमें दो टाइप के हैं। पहला एमनीजिया जो है वो है रेट्रोग्रेड एमनीजिया। रेट्रोग्रेड एमनीजिया ये होता है कि जैसे जब आपको चोट, जैसे आप सपोज कोई पर्सन है उसका एक्सीडेंट हो गया बाई चांस, उसके सर पर बहुत ज़ोर से चोट आई है, तो उसको उस चोट लगने के थोड़े घंटे पहले से लेके चोट लगने के बाद जब वो होश में आता है तब तक की कोई भी चीज़ याद नहीं होती। जैसे चोट लगी उससे एक दो घंटे पहले वो कहाँ था, वो कहाँ से निकला था जब वो सड़क पे जा रहा था और उसको एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जब तक वो होश में नहीं आया हॉस्पिटल में, वो सारी मेमोरीज उसके लिए बिल्कुल ही ज़ीरो होती है। उसको कुछ याद नहीं होता कि वो क्या करने के लिए घर से निकला था, कहाँ से आ रहा था, थोड़े देर पहले की, मतलब चोट लगने से एक दो दिन पहले की और चोट लगने के होश आने तक की, बीच की कोई भी मेमोरी उसके माइंड में नहीं होती है।
So, people who are in accidents in which they received a head injury often are unable to recall the accident. मतलब एक्सीडेंट का तो उनको बिल्कुल याद ही नहीं होता. They cannot remember last several hours or even days before the accident. और एक्सीडेंट से एक दो दिन पहले का भी उनको बिल्कुल याद नहीं होता. तो दिस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड एमनीशिया, विच इज लॉस ऑफ मेमोरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंजरी बैकवर्ड्स. मतलब जब आपको इंजरी हुई है उससे पीछे की तरफ एक दो दिन बैकवर्ड आपको याद नहीं है बिल्कुल भी कि क्या हुआ. तो रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड मतलब होता है रेट्रो मतलब बैकवर्ड. तो बैकवर्ड आपको मेमोरी लॉस हो गया है, मतलब चोट लगी थी उससे पीछे था, उसके पहले तक की आपकी मेमोरी, एक दो दिन पहले की मेमोरी भी आपकी लॉस हो गई है. अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी क्या है कि आपकी जो कंसोलिडेशन प्रोसेस चल रहा था दिमाग में जब आपकी चोट लगी, तो जो पुरानी मेमोरीज थी, जो अभी कंसोलिडेशन जिसका हुआ नहीं था, मे बी वो एक दो दिन पहले की कुछ मेमोरीज होंगी जो अभी भी कंसोलिडेट नहीं हुई होंगी, वो चोट लगने से वो सारी मेमोरीज उड़ जाती हैं. अब इसको बड़े अच्छे से इन्होंने कंप्यूटर के एग्जांपल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे आप कंप्यूटर में कोई काम करते हो और काम करते हो, आप डेटा अगर सेव नहीं करते तो क्या होता है, वो डेटा उड़ जाता है. अगर लाइट चली जाए बाई चांस, कंप्यूटर बंद हो जाए एकदम से, तो वो डेटा सारा उड़ जाता है. तो ऐसे ही कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि आपने सेव कर लिया. तो जब आपका माइंड कोई चीज़ अभी सेव नहीं करता है क्योंकि उसको टाइम लग रहा होता है उसको प्रोसेस करने में, तो जो चीज़ें सेव नहीं हुई होती, कंसोलिडेट नहीं हुई होती, चोट लगने से अचानक से वो चीज़ें उड़ जाती हैं, वो मेमोरीज उड़ जाती हैं. तो कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जिनको टाइम लगता है. अब कुछ मेमोरीज तो ऐसी थी जो कंसोलिडेट हो गई थी, वो अभी भी है आपके माइंड में, लेकिन कुछ ऐसी थी जिनको अभी और टाइम लगना था, तो वो अभी कंसोलिडेशन में चली रही थी उतनी देर में आपका एक्सीडेंट हुआ, और वो वाली मेमोरीज भी सारी उड़ गई जो कंसोलिडेट नहीं हुई थी, प्लस एक्सीडेंट वाला टाइम जो था वो सब. तो अब उससे पहले का आपको याद है, दो तीन दिन पहले का तो याद है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कुछ भी याद नहीं है. तो ये हो गया रेट्रोग्रेड एमनीशिया. उसके बाद आता है इसका दूसरा फॉर्म जो एमनीशिया का, वो है एंटीरोग्रेड एमनीशिया. एंटीरोग्रेड एमनीशिया वही है जो HM का केस था कि फर्दर आगे कोई मेमोरी नहीं बन पा रही थी. अब इसमें अगर हम कंप्यूटर से कंपेयर करें, तो सपोज आप कंप्यूटर आपने ऑन करा लेकिन वो डैमेज है आपकी हार्ड ड्राइव, तो आप कंप्यूटर में जो लिखा हुआ है वो पढ़ पा रहे हो लेकिन उसमें आप टाइप करके सेव नहीं कर पा रहे कोई चीज़, तो वो हो गया एंटीरोग्रेड एमनीजिया. के मतलब जो है वो है लेकिन आगे फर्दर जो चीज़ आप कर रहे हो वो सेव नहीं हो रही है. एट प्रेजेंट आपको या आप जो कर रहे हो उसको आप एट प्रेजेंट आप समझ रहे हो सारी चीज़ें, लेकिन जैसी वो चीज़ आप बंद करते हो, उसके बारे में सोचना बंद करते हो, वो चीज़ आपके माइंड से उड़ जाती है. सो इस टाइप का एमनीजिया था HM को भी, जिसको एंटीरोग्रेड एमनीजिया कहते हैं. लॉस ऑफ मेमोरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंजरी और इलनेस फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ फॉरवर्ड. और इसके साथ ज़्यादातर लोगों को एक और प्रॉब्लम हो जाती है जिसको सिनाइल डिमेंशिया भी बोलते हैं. सिनाइल डिमेंशिया क्या है? एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें सीवियर फॉरगेटफुलनेस होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा भूलते हैं वो लोग, कन्फ्यूजन में रहते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो ये खासकर इन लोगों में ज़्यादा दिखता है जिनको एक एंटीरोग्रेड एमनीशिया की प्रॉब्लम हो जाती है. सो इफ रेट्रोग्रेड एमनीशिया इज लाइक लूजिंग अ डॉक्यूमेंट इन द कंप्यूटर बिकॉज ऑफ द पावर लॉस, एंटीरोग्रेड एमनीशिया इज लाइक डिस्कवरिंग दैट योर हार्ड ड्राइव हैज़ बिकम डिफेक्टिव एंड यू कैन रीड द डेटा दैट आर ऑलरेडी ऑन द हार्ड ड्राइव बट यू कैन नॉट स्टोर एनी न्यू इन्फॉर्मेशन. तो ये इन्होंने विद एग्जाम्पल दोनों समझाए हुए हैं कैसे रेट्रोग्रेड होता है और कैसे एंटीरोग्रेड होता है. फिर आते हैं एक और तीसरे पार्ट पे जो कि इन्फेंटाइल एमनीशिया, और ये वो नहीं है, मतलब ये कोई डिसऑर्डर नहीं है. ये जनरल हम सबके साथ ये केस होता है कि जब हमारी एज 2 या 3 साल तक की होती है उससे पहले का हमें याद नहीं होता, जिसको बोलते हैं इन्फेंटाइल एमनीशिया. आपको 3 साल से पहले का अपना जनरली याद नहीं है, बस आपने जो दूसरों से सुना हुआ है आप उसी को इमेजिन करके मेमोरीज में स्टोर करते हो. जो दूसरे लोग आपको बताते हैं, आपकी मदर बताते हैं, फादर बताते हैं, सिब्लिंग्स बताते हैं कि उस टाइम जब आप 2 साल के थे तो आप ऐसे करते थे वैसे करते थे, अब दूसरों की सुन के अपने माइंड में मेमोरी बनाते हो, लेकिन आपको अपनी खुद की कोई मेमोरी नहीं है उस टाइम की, क्योंकि उस टाइम पे जो हिप्पोकैम्पस एरिया होता है हमारे ब्रेन का वो पूरे तरीके से
डेवलप नहीं हुआ होता तो जितनी भी मेमोरीज होती हैं वो बहुत इम्प्लिसिट होती हैं। इम्प्लिसिट मतलब कि क्लियर नहीं होती बिल्कुल भी, आप उसको अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं ला पाते हो। तो इस चीज़ को बोलते हैं इन्फेंटाइल एमनीजिया। तो यहाँ पे अब ये चैप्टर की पूरी चैप्टर ख़त्म हो गया है। फॉरगेटिंग की समरी दी हुई है यहाँ पे, जो टॉपिक हमने डिस्कस किया। फॉरगेटिंग में एबिनहॉस ने सबसे ज़्यादा काम किया था और उन्होंने बोला था कि जब आप कोई चीज़ को टुकड़ों में बांट के याद करते हो तो वो जल्दी याद होता है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। भूलने का रीज़न एक ये भी होता है कि एनकोडिंग फेलियर हो जाता है जब हम किसी चीज़ को ध्यान नहीं देते, अटेंड नहीं करते हैं किसी चीज़ को। मेमोरी ट्रेस डिके भी हो सकता है कि ओवर टाइम हमने कोई चीज़ यूज़ नहीं करी है तो वो धीरे धीरे डिके हो जाती है। इंटरफेरेंस हो सकता है कि हम कोई चीज़ अगर याद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसमें पुरानी याद करी हुई चीज़ का या नई याद करी हुई चीज़ का इंटरफेरेंस होता है। तो प्रोएक्टिव मतलब पुरानी चीज़ नई चीज़ याद करने में डिस्टर्बेंस कर रही है, रेट्रोएक्टिव मतलब जो नई चीज़ है वो पुरानी चीज़ को डिस्टर्ब कर रही है। फिर डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन है जिसमें मेमोरी स्टोर होती है, जैसे प्रोसीजरल सेरिब्रम में होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और टेम्पोरल लोब में होती है, सिमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी भी फ्रंटल और टेम्पोरल में होती है लेकिन इस वाली लोकेशन से अलग लोकेशन होती है इसकी। उसके बाद फिजिकल चेंजेस होते हैं ब्रेन में जिसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। कंसोलिडेशन में रिसेप्टर साइट्स में चेंजेस होते हैं, डेंड्राइट्स में चेंजेस होते हैं। हिप्पोकैम्पस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनाने में। और एमनीजिया में हमने पढ़ा कि एक होता है ऑर्गेनिक एमनीजिया, इन्होंने नाम दिया है उसको, जो हमने दो टाइप के पढ़े थे, रेट्रोग्रेड और एंटीरोग्रेड। जो HM का केस था वो एंटीरोग्रेड एमनीजिया का था। और इन्फर्टाइल एमनीजिया जो होता है, जो हमारी मेमोरीज होती है 3 साल से पहले तक की, वो हमें याद नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंटाइल एमनीजिया। अब इसी से रिलेटेड क्विज है, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेल्वेटोर वॉज इंट्रोड्यूस टू अ नंबर ऑफ न्यू पीपल ऑन हिज फर्स्ट डे एट हिज न्यू जॉब। अकॉर्डिंग टू एबिनहॉस, व्हेन शुड सेल्वेटोर एक्सपेक्ट टू हैव फॉरगॉटन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ नेम्स ही हैज जस्ट लर्न्ड। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेल्वेटोर ने एक नई जॉब ज्वाइन करी और उसको बहुत सारे लोगों से इंट्रोड्यूस कराया, तो एबिनहॉस के अकॉर्डिंग उनको वो नाम सबसे ज़्यादा याद करने में डिफ़िकल्टी कब होगी, तो सबसे ज़्यादा कब भूलेगा वो। तो अगर आपको याद है लर्निंग कर्व में उन्होंने बोला था कि पहले घंटे में हम ज़्यादा जल्दी भूल जाते हैं, मतलब जब हम स्टार्टिंग में जब कोई चीज़ लर्न करते हैं तो हम उस टाइम जल्दी भूलते हैं। सो विद इन फर्स्ट आवर आफ्टर लर्निंग द नेम्स, विद इन द फर्स्ट डे, विद इन द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक, विद इन नियर द मिडल। तो इसमें आएगा विद इन द फर्स्ट आवर आफ्टर लर्निंग द नेम्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ पर्सन फॉरगेट्स व्हाट समवन हैज जस्ट सेड because he wasn't paying attention to the speaker at all, it is an example of dash explanation of forgetting. तो जब आपने ध्यान ही नहीं दिया कि किसी ने क्या बोला और आप भूल गए उस चीज़ को, तो उसको क्या बोलेंगे, encoding failure. Edna took sociology in the fall semester and is now taking psychology. Some of the concepts are similar and Edna finds that she sometimes has trouble recalling some of the major sociological theories, she keeps getting them confused with psychology theories. Edna's problem is most likely due to, अब इसमें कह रहे हैं कि Edna ने पहले जो थी sociology ली थी, उसके बाद उसने psychology अपना subject change करा लिया, psychology ले ली, लेकिन उसमें उसको कुछ concepts बहुत similar मिले, जो concepts sociology में थे वही psychology में भी थे, तो अब उस वो दोनों में कंफ्यूज हो रही है क्योंकि उसने पहले सोशियोलॉजी में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, अब जब वो साइकोलॉजी में सेम चीज़ें आ रही है तो वो कंफ्यूज हो रही है। तो पुरानी जो चीज़ उसने पढ़ी वो नई चीज़ को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो इसको हम कौन सा इंटरफेरेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है, ब्रायन बेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स वेयर ही ग्रू अप टू इंग्लैंड। द फर्स्ट वीक ही वॉज देयर ही हैड अ टेरिबल टाइम रिमेंबरिंग टू ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हिज प्रॉब्लम वॉज मोस्ट लाइकली ड्यू टू, अगेन वही चीज़ है कि ब्रायन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से है जहाँ पे वो बड़े हुए, फिर वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए,
तो पहले वीक में उनको ये चीज याद रखने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि उनको लेफ्ट साइड ऑफ द रोड पे चलना है, तो ये प्रॉब्लम उनकी किस वजह से हुई थी? फर्स्ट वेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स वेयर ही ग्रू अप टू इंग्लैंड. हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स से इंग्लैंड में गए थे. तो पहले वीक में उनको इस चीज़ को रिमेम्बर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आई कि उनको लेफ्ट साइड ऑफ द रोड पर ड्राइव करना है. तो अब इस चीज़ को आप क्या बोलोगे? पहले वो US में थे जहाँ पे राइट साइड ऑफ द रोड ड्राइव करते थे, अब वो इंग्लैंड में है जहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ द रोड ड्राइव करते हैं. तो अब इनको प्रॉब्लम आ रही है बार बार उस चीज़ को याद करने में, तो इसको क्या बोला जाएगा? कौन सा इंटरफेरेंस बोला जाएगा? तो इसको हम बोलेंगे प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. टेंडेंसी फॉर ओल्डर लर्न मटीरियल टू इंटरफेयर विद न्यू लर्निंग न्यू मटीरियल. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. कैथरीन इज ट्राइंग टू होल्ड द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स शी जस्ट मेट इन हर साइकोलॉजी क्लास इन हर शॉर्ट टर्म मेमोरी. अकॉर्डिंग टू स्टडीज दीज शॉर्ट टर्म मेमोरीज विल बी स्टोर्ड इन वट पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो शॉर्ट टर्म मेमोरीज कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन में स्टोर होती है? हमने पढ़ा था ना प्री फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब में होती है. तो इसमें टेम्पोरल नहीं दिया है तो हम प्री फ्रंटल लोब को मार्क कर देंगे. फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6. रिसर्च सजेस्ट दैट मेमोरी फॉर्मेशन इज अ फंक्शन ऑफ. तो रिसर्च के अकॉर्डिंग मेमोरी फॉर्मेशन में क्या क्या होता है? चेंजेस इन नंबर ऑफ रिसेप्टर साइट्स, चेंजेस इन सेंसिटिविटी ऑफ सिनैप्स, चेंजेस इन डेंड्राइट्स एंड प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें ही होती हैं. तो इसका मतलब इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव. 7th क्वेश्चन में है द रोल ऑफ डैश इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लॉन्ग टर्म डिक्लेरेटिव मेमोरीज वॉज फर्स्ट मेड अपेरेंट इन द केस ऑफ HM, अ फेमस केस स्टडी इन एमनीजिया. तो HM के केस में किसका रोल पढ़ रहे थे हम चारों में से? हिप्पोकैम्पस का रोल पढ़ रहे थे. उसके बाद 8th क्वेश्चन, TJ वॉज इन अ कार एक्सीडेंट एंड सफर्ड अ कंकशन. कंकशन मतलब वो बेहोश हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, मतलब एकदम से सडनली ब्लैकआउट हो जाता ना चोट लगने के बाद. आफ्टर ही रिकवर्ड ही फाउंड दैट ही कुड नॉट रिमेंबर द एक्सीडेंट इटसेल्फ और द इवेंट्स ऑफ द मॉर्निंग लीडिंग अप टू द एक्सीडेंट. तो वो जो हमने केस पढ़ा था कि एक्सीडेंट से पहले की चीज़ें भी भूल जाते हैं, तो ये कौन सा एमनीशिया था? रेट्रोग्रेड एमनीशिया था. और HM का तो था वो एंटीरोग्रेड एमनीशिया था. तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है. ये चैप्टर की समरी में क्वेश्चन आंसर्स हैं. आप इसको पॉज करके नोट कर लो बेशक या रीड कर लो वीडियो को. टॉपिक वाइज इन्होंने क्वेश्चंस और आंसर्स दिए हुए हैं यहाँ पे. और उसके बाद पूरे चैप्टर से रिलेटेड एक क्विज है. इसके अंदर 24 क्वेश्चंस हैं. तो हम ये क्विज भी डिस्कस कर लेते हैं एक बारी. क्वेश्चन नंबर 1, मेमोरी कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ सीरीज ऑफ स्टोरेज बिन्स और बॉक्सेस, अ प्रोसेस ऑफ स्टोरेज, एन एक्टिव सिस्टम दैट एनकोड्स स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन, अ सीरीज ऑफ पैसिव डेटा फाइल्स. मेमोरी में 3 प्रोसेस हमने पढ़े थे, एनकोडिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग. दैट मीन्स इसका आंसर होगा C. इन क्वेश्चन नंबर 2, इन द डैश मॉडल ऑफ मेमोरी मेमोरीज आर साइमल्टेनियसली क्रिएटेड एंड स्टोर्ड अक्रॉस अ मेंटल नेटवर्क. तो कौन से मॉडल ऑफ मेमोरी में बहुत सारे नेटवर्क की बात करी थी जो साइमल्टेनियसली चलते हैं एक साथ? तो नेटवर्क अगर आपको जब भी वर्ड ध्यान आए तो उसमें आपको पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग याद आनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3, रॉबर्टा लुक्ड अप एंड फ्रॉम हर बुक रियलाइजिंग दैट जोक्विन हैड सेड समथिंग टू हर, व्हाट वाज इट? ओ यस, ही हैड जस्ट आस्क्ड हर इफ शी वांटेड टू गो आउट टू डिनर.
रोबर्टाज एबिलिटी टू रिट्रीव व्हाट जॉक्विन सेड इज ड्यू टू हर। अब कोई रोबर्टा है वो अपनी बुक पढ़ रही है और जब उसने थोड़ी देर बाद उसको लगा कि जॉक्विन ने उसे कुछ पूछा और 2 मिनट उसने 2 सेकंड सोचा और उसको एकदम याद आया कि उसने उससे बाहर जाने के लिए पूछा था। तो ये जो थोड़ी देर बाद एकदम से उसको याद आ गया कि वो क्या बोल के गया था उसको जब वो बुक पढ़ रही थी, तो ये कौन सी मेमोरी है? तो इसको हम साउंड वाली जो मेमोरी होती है इसको हम इकोइक मेमोरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल्दो स्पर्लिंग फाउंड एविडेंस दैट आइकॉनिक मेमोरी लास्ट अबाउट हाफ अ सेकेंड, इन रियलिटी इंफॉर्मेशन गेट्स पुश्ड आउट रेदर क्विकली बाय न्यूअर इंफॉर्मेशन। एविडेंस सजेस्ट दैट आइकॉनिक मेमोरी रियली लास्ट अबाउट डैश ऑफ अ सेकेंड। तो एक तरीके से ये पूछ रहे हैं कि जो आइकॉनिक मेमोरी है वो कितनी देर तक के लिए लास्ट करती है हमारे माइंड में, तो ये 1/4 ऑफ अ सेकेंड होता है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरेशन ऑफ इकोइक मेमोरी इज डैश देन आइकॉनिक मेमोरी, तो लॉन्गर आएगा क्योंकि इकोइक 4 सेकेंड के लिए होता है, बट इट्स कैपेसिटी इज प्रोबेबली, तो इकोइक मेमोरी जो होती है उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो उससे ज़्यादा होती है, लॉन्गर आना चाहिए यहाँ पे वर्ड, और कैपेसिटी कम होती है। कैपेसिटी मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं याद कर सकता, 1-2 सेंटेंस तो याद हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं, कैपेसिटी कम है लेकिन ड्यूरेशन लॉन्गर होती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन ग्रेग ट्राइड टू रिमेंबर द नेम ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स वाइफ ही हैड ट्रबल गेटिंग द राइट नेम, at the first he thought it might be a sandy it might be sandy or candy but finally realized that it was mandy। greg's confusion is evidence that short term memories are primarily encoded in dash form। so ye jo yahan pe inhone pura example diya hai ki greg hai wo apne employer ke wife ka naam yaad karne ki koshish kar rahe hain jo unko yaad nahi aa raha, kabhi unko lag raha hai sandy hai kabhi lag raha hai candy hai, finally unko yaad aata hai it was mandy। तो ये जो उनकी कन्फ्यूजन हो रही है शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये किस फॉर्म में इनकोड होती है, तो हमने ये पढ़ा था कि हमारी मेमोरी भी साउंड के फॉर्म में इनकोड होती है जिसको हम एकॉस्टिक बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज लिमिटेड, मोर आइटम्स कैन बी हेल्ड इन दिस काइंड ऑफ स्टोरेज थ्रू प्रोसेस ऑफ डैश। तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी बहुत कम है, हमने वो मैजिक नंबर पढ़ा था मिलर्स मैजिक नंबर 5 ± 2, तो इसमें अब ये बोल रहे हैं कि कैसे और उसको इंक्रीज कर सकते हैं कैपेसिटी को, सॉरी 7 ± 2 होता है, मैंने 5 बोला, 7 ± 2 होता है, तो इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो डीकोडिंग, चंकिंग, रोट रिहर्सल, डाटा कंप्रेशन। तो अगर आप ध्यान करो तो रोट रिहर्सल से मेमोरी की कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं हो सकती, लेकिन चंकिंग से हो सकती है। आप किसी डेटा को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, चंक में डिवाइड करके आप उस मैजिक नंबर से ज़्यादा भी याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, द बेस्ट मेथड फॉर एनकोडिंग लॉन्ग टर्म मेमोरीज इज प्रोबेबली टू यूज, लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, कौन सी रिहर्सल, इलैबोरेटिव, जहाँ पे हम मीनिंग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ क्रैक एंड लॉकहार्ट वुड सजेस्ट दैट Which of the following questions would lead to better memory of the word frog? तो अगर आपको याद हो level of processing जो model है वो क्या बोलता है कि ज़्यादा अच्छे से अगर कोई चीज़ याद करनी है तो कौन सी, किस तरीके से याद हो सकती है? तो उसमें उन्होंने ये बोला था जब हम डीप लेवल पे जाके याद करते हैं, डीप लेवल उसके मीनिंग से उसको रिलेट करके याद करते हैं, ना कि सिर्फ उसके ऊपर से लिखी हुई लिखावट के तरीके से। तो जैसे पहला वाला कह रहा है कि वो किससे राइम कर रहा है, फ्रॉग ब्लॉग से राइम कर रहा है, तो इससे याद हो जाएगा, ढंग से हमें नहीं होगा। कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ है इससे याद हो जाएगा, नहीं होगा। कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है इससे भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस चीज़ से याद करेंगे, वुड इट बी फाउंड इन अ पॉन्ड, कि वो पॉन्ड में मिलता है, तो एक तरीके से हम इसको किसी चीज़ से रिलेट करके याद कर रहे हैं, तो इस तरीके से याद करना ज़्यादा बेटर है। फिर आ जाता है 10th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी इज रिवाइज एंड अपडेटेड मोर और लेस कॉन्स्टेंटली।
कौन सी लॉन्ग टर्म मेमोरी इन सब में से जो ज़्यादातर रिवाइज और अपडेट होती रहती है हमेशा ही? तो सिमेंटिक प्रोसीजरल एपिसोडिक, इसमें हम एपिसोडिक लेंगे क्योंकि हमारी एपिसोडिक मेमोरी जो होती है, हमारे जो इवेंट्स, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो रिवाइज होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नॉलेज दैट वी गेन फ्रॉम स्कूल टेक्स्ट बुक्स इज कॉल्ड डैश मेमोरी। जो हम स्कूल से पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, वो कौन सी, किस टाइप की मेमोरी होती है? सिमेंटिक। क्वेश्चन नंबर 12, सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल ऑफ मेमोरी वुड सजेस्ट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड टेक लॉन्गेस्ट टू आंसर। तो आपको वो नेटवर्क मॉडल अगर याद हो तो जिसमें वो था कि जो बर्ड वाला कॉन्सेप्ट है उसके साथ उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, एनिमल वाले कॉन्सेप्ट के साथ उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उस मॉडल में, उस मॉडल के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल टेक लॉन्गर टू आंसर। तो कौन से क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा देने में? इज कोली अ डॉग, इज कोली अ मैमल, इज कोली एन एनिमल? तो देर वुड बी नो डिफरेंस। तो क्या इन तीनों में से कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमें अपने नेटवर्क मॉडल के अकॉर्डिंग आंसर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा या तीनों में बराबर टाइम लगेगा, वो ये पूछ रहा है। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, कोली जो है एक डॉग की ब्रीड है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि कोली या डॉग, तो आप झट से बोल दोगे हाँ, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा सोचने में। अगर आपसे पूछेंगे इस कोली आ मैमल, तो इसको भी आप इजीली आंसर कर दोगे कि कोली मैमल जो है वो जो डॉग्स हैं वो मैमल की कैटेगरी में आते हैं। तो जो इसमें भी आपको मतलब थोड़ा सा इतना टाइम नहीं लगेगा सोचने में, क्योंकि आपको पता है कि वो एक डॉग है तो वो मैमल की कैटेगरी में आता है, तो मैमल। लेकिन अगर पूछा जाए कि वो एनिमल है, तो पहले आप एनिमल वाले कॉन्सेप्ट, आपका जो ब्रेन किस तरीके से काम करेगा, पहले एनिमल वाले कॉन्सेप्ट पे जाएगा, फिर उसमें एनिमल के जो जो फीचर्स होते हैं उसको वो देखेगा, फिर देखेगा कि क्या कोली में वो फीचर्स हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट की बात हो रही है एनिमल, और एनिमल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, अगर ये कोई पूछेगा, तो इसमें सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल ऑफ मेमोरी को ज़्यादा टाइम लगेगा आंसर देने में, इंस्टेड ऑफ ये वाला जिसमें डायरेक्ट ही पूछा हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, द रिसर्च ऑफ आइक एंड मेटकैफ वुड सजेस्ट दैट इफ यू आर रियली एंग्री व्हेन यू आर लर्निंग स्पैनिश यू शुड बी डैश व्हेन टेकिंग द फाइनल एग्जाम। तो ये रिसर्च कह रही है कि अगर आपको एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी वाला टॉपिक याद है, तो ये रिसर्च बोल रही है कि जब आपने स्पैनिश याद की थी तब आप बहुत गुस्से में थे, तो उसको ढंग से याद वापस से रिट्रीव करने के लिए जब आप फाइनल एग्ज़ाम देते हो उसका, तो आपको उसी सेम स्टेट में होना चाहिए। तो आपको कौन सी स्टेट में होना चाहिए अगेन? तो अकॉर्डिंग टू वो रिसर्च, आपको वापस से एंग्री स्टेट में ही होना चाहिए, उसको दोबारा से अच्छे से याद करने के लिए एंग्री स्टेट में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेस्ट यूजिंग रिकॉल। तो रिकॉल और रिकॉग्निशन दो चीज़ें पढ़ी थी, तो कौन सा वाला इसमें रिकॉल नहीं है, नॉट एन एग्जाम्पल है ना, कौन सा वाला नहीं है? तो शॉर्ट आंसर्स, एस्से, लिंडा ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। तो रिकॉग्निशन क्या होता है, जब कोई चीज़ दी होती है ऑलरेडी उसको ही हम देख के पहचानते हैं। शॉर्ट आंसर में हम रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ दी नहीं हुई है, एसे में भी हम पूरा रिकॉल कर रहे हैं, फिर इन द ब्लैंक्स में भी हम पूरा रिकॉल कर रहे हैं। सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही ऐसी चीज़ है जिसमें हम रिकॉल नहीं कर रहे, ऑलरेडी क्यू दिया हुआ है उसको हम सिर्फ पहचान रहे हैं। तो आंसर यहाँ पे ये होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द सीरियल पोजिशन इफेक्ट प्रिडिक्ट्स दैट द इंफॉर्मेशन दैट विल बी रिमेम्बर्ड बेस्ट फ्रॉम द लिस्ट विल कम एट द डैश ऑफ द लिस्ट। तो सीरियल पोजीशन इफेक्ट मतलब प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट पूछ रहा है। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो ज़्यादा अच्छे से याद होगी, जो कि लिस्ट के बिगनिंग या एंड में आएगी, मतलब रिसेंसी इफेक्ट या प्राइमेसी इफेक्ट में से एक। क्वेश्चन नंबर 16, मेलनी वॉज हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम डिस्क्राइबिंग द मैन हु टुक हर पर्स इन द मॉल पार्किंग लॉट। द ऑफिसर शोड हर सम पिक्चर्स ऑफ द पीपल हु हैड बीन इन्वॉल्व इन सिमिलर क्राइम्स एंड शी वॉज क्विकली एबल टू पॉइंट आउट द राइट मैन।
Melanie's situation is is a reminder that in comparing recognition to recall, recognition tends to be. तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि मेलिनी है, उसका पर्स किसी ने पार्किंग लॉट से चुरा लिया है। अब उसको जब पुलिस ऑफिसर्स ने पिक्चर्स दिखाई क्रिमिनल्स की जो इस तरह की चोरियाँ करते हैं, तो उसने उसको झट से पहचान लिया। वैसे वो रिकॉल नहीं कर पा रही थी, लेकिन फ़ोटो देख के उसने पहचान लिया। तो मतलब इसका क्या है कि रिकॉल से रिकॉग्निशन क्या ज़्यादा ईजियर है, तो ईजियर आएगा, रिकॉग्निशन ज़्यादा ईजियर है रिकॉल से। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इज आई विटनेस टेस्टिमनी यूजुअली एक्यूरेट? तो ये आई विटनेस वाला आपको केस याद करना है यहाँ पे, कि आई विटनेस जो टेस्टिमनी या जो अपनी जो स्टेटमेंट देते हैं, क्या वो जनरली एक्यूरेट होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज फॉल्स पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द पैसेज ऑफ टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इवेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज दैट इज ऑफन सब्जेक्ट टू। तो पैसेज और टाइम, जो चीज़ें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते लेकिन फिर भी हमें आइडिया लग जाता है कि कितना टाइम निकल गया है, या कोई चीज़ कितनी बार हो चुकी है पहले, हमने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया फिर भी वो हमारे माइंड में वो चीज़ स्टोर हो गई है, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक इनकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन रिट्रीविंग अ लॉन्ग टर्म मेमोरी बिट्स एंड पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर गैदर्ड फ्रॉम वेरियस एरियाज एंड पुट बैक टुगेदर। तो जब लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम याद करने की कोशिश करते हैं दोबारा से, तो हम उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ लेते हैं इधर उधर से भी, तो उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 20, एबिंगहॉस फाउंड दैट इंफॉर्मेशन इज फॉरगॉटन। तो इसमें आएगा मोर रैपिडली ग्रेजुअली एट फर्स्ट एंड इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ फॉरगेटिंग क्विकली एट फर्स्ट एंड टेपरिंग ऑफ ग्रेजुअली मोस्ट क्विकली वन डे आफ्टर लर्निंग। तो ये वाला आएगा क्विकली एट फर्स्ट देन टेपरिंग ऑफ ग्रेजुअली, कि एकदम से सडनली पहले हम फॉरगेट करना शुरू करते हैं, फिर धीरे 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 वो टेपर ऑफ हो जाती है, नॉर्मल धीरे हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21, प्रॉब्लम विद यूजिंग डी के और डी यूज थ्योरी टू एक्सप्लेन फॉरगेटिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी इज दैट। तो ये डी के थ्योरी की बात कर रहा है, कि वो डी के थ्योरी कहती है कि जब हम कोई चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं जिस बारे में सोचते हैं वो हम भूल जाते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें ये प्रॉब्लम है कि इसका आंसर ए है, प्रॉब्लम ये है कि ओल्डर पीपल कैन स्टिल रिमेंबर थिंग्स फ्रॉम देयर अर्ली ईयर्स, कि जो ओल्डर जो बूढ़े लोग होते हैं उनको फिर भी कितनी चीज़ें उनके पुराने अर्ली ईयर्स की याद रहती हैं, जबकि उन्होंने इतने साल तक उसके बारे में सोचा भी नहीं होता। तो ये एक इसकी इस थ्योरी के अंदर एक ये चीज़ मिसिंग है कि ये कैसे होता है, अगर हम कोई चीज़ डीके हो जाती है बिना याद किए, तो ऐसे कैसे हो जाता है कि ओल्डर लोगों को पुरानी कोई फ़ोटो देख के याद आ जाता है कि ये तो इनका नाम ये है, ऐसे टाइप से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, यू स्टार्टेड आउट बाय यूजिंग वर्ड परफेक्ट एंड देन मूव टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिकॉज योर कंपनी डिमांडेड दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स टू बी इन वर्ड। इफ़ यू हैव ट्रबल विद वर्ड इट इज़ मोस्ट लाइकली ड्यू टू। तो ये दोबारा से वो एमनीजिया वाला क्वेश्चन है, कि आप पहले वर्ड परफेक्ट यूज़ कर रहे थे, फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया, अब आपको वो वर्ड सीखने में नया जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पुरानी चीज़ जो याद करी है वो इंटरफेयर कर रही है आपकी अभी की चीज़ में, तो उसको बोलेंगे प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। और इसी से रिलेटेड दूसरा भी क्वेश्चन होगा, द अर्लीस्ट एंड दी मेन टाइप ऑफ मेमोरी प्रॉब्लम दैट पीपल विद डिमेंशिया इंक्लूडिंग अल्जाइमर डिसीज टिपिकली हैव। तो जिनको डिमेंशिया होता है या अल्जाइमर होता है उनको टिपिकली कौन सा वाला एमनीजिया होता है इन चारों में से? तो डिमेंशिया से रिलेटेड है एंटीरियर ग्रेड एमनीजिया। उसके बाद लास्ट है, वन थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स इन्फेंटाइल एमनीजिया स्टेट दैट दीज मेमोरीज आर। तो इन्फेंटाइल एमनीजिया क्या बोलते हैं, कि हमारी जो 3 साल से पहले की मेमोरीज होती है वो इम्प्लिसिट होती है और हम उसको कॉन्शियसली रिट्रीव नहीं कर सकते। ये यहाँ पे क्विज ख़त्म होता है। बाकी ये समरी है पूरे चैप्टर की जो हमने पढ़ा है, चैप्टर 6 मेमोरी का, उसकी पूरी समरी यहाँ पे दी हुई है। 3 बेसिक स्टेप्स हैं मेमोरी के, एनकोडिंग स्टोरेज और रिट्रीवल। ये 3 स्टेज मॉडल है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी।
कंसोलिडेशन प्रोसेस होता है, रिट्रीवल होता है वापस, मेंटेनेंस रिहर्सल से, शॉर्ट टर्म मेमोरी से में हम चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन अगर एलैबोरेट रिहर्सल करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में चली जाएगी। फिर इसमें और मॉडल्स दो और थे, पैरेलली डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल था और लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल था। फिर उसकी डिटेल्स हमने पढ़ी थी, सेंसरी मेमोरी में दो आ जाती हैं, इकोनिक और इकोइक, और फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म में हमने देखा था कि दो टाइप का होता है, प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव, जिसमें से डिक्लेरेटिव की एपिसोडिक और सिमेंटिक दो पार्ट्स हैं। ये हमने एक ये सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल डिस्कस किया था। उसके बाद फॉर रिट्रीवल की बात हुई थी कि रिट्रीवल क्यूज क्या होते हैं, इनकोडिंग स्पेसिफिसिटी क्या होती है, स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग क्या होती है, रिकॉल और रिकॉग्निशन में क्या फ़र्क है, ऑटोमेटिक इनकोडिंग कैसे होती है, मेमोरीज अपने आप कंस्ट्रक्ट होती रहती हैं, जिसमें हमने कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग पढ़ा था, मेमोरी रिट्रीवल में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट होता है, और रिलायबिलिटी ऑफ मेमोरी रिट्रीवल के बारे में बात की थी। फिर फॉरगेटिंग में हमने पढ़ा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड, एबिन गॉस ने बोला था कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस से ज़्यादा याद रहता है, एनकोडिंग फेलियर भी हो सकता है, मेमोरी ट्रेस भी डिके भी हो सकती है और इंटरफेरेंस भी हो सकता है। और लास्ट में हमने एम्नीजिया के डिफरेंट टाइप्स पढ़े हैं और हिप्पोकैम्पस का जो रोल है लॉन्ग टर्म मेमोरीज को फॉर्म करने में, स्टोर करने में उसका रोल पड़ा है। ये चैप्टर 6 ऑफ मेमोरी खत्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 7 कॉग्निशन स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।